नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक वो तमाम बड़ी ख़बरें जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं लेकर आया हूं इस एक बुलेटिन में वो तमाम चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपके लिए ज़रूरी है जो इस देश के लिए ज़रूरी है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल ये वीडियो देख लीजिए बलर करके हम आपको दिखा रहे हैं चेहरा नहीं दिखा सकते हैं दो सेकेंड का किस तरह से जुमे के नमाज के बाद एक प्रोटेस्ट हुआ था लगभग 300 के करीब यूपी में लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं किसी एक थाने का वीडियो है इसको बीजेपी के एक विधायक ने शेयर किया है किस तरह से उनकी पिटाई हो रही है सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा ये वीडियो वायरल है और तमाम लोग कह रहे हैं कि क्या यही नियम कानून है क्या पुलिस को अधिकार है सज़ा देने की लेकिन इससे आगे देखिए इसके आगे कुछ नहीं है अपूर्वा सिंह लिखती हैं यूपी में बुलडोजर चलना शुरू हो गया है सोचिए जो लोग की गिरफ्तारी हुई है जो लोग आरोपी बनाए गए हैं जब तक कोर्ट फैसला नहीं दे देता है उनके घर पर बुलडोजर चल रहे हैं सवाल है कि कल वो बड़ी हो जाएंगे तो उनका घर कौन बनाएगा और क्या ये डराने की कोशिश है ये सबसे बड़ा सवाल है उसके बाद आगे देखिए जो आगे आगे की खबर है किस तरह से कर्नाटक में कर्नाटक में सोचिए कर्नाटक की खबर है कर्नाटक के यादगीर में पाँच एस महिलाओं ने एक हिंदू मंदिर में प्रवेश किया चौकीय मत इक्कीसवीं सदी में भी अब ब्रेकिंग न्यूज है इस प्रवेश के लिए 150 सौ पचास पुलिसकर्मियों को बुलाना पड़ा क्योंकि सवर्ण हिंदुओं को यह मंजूर नहीं था आप समझ सकते हैं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है इसी वीडियो को लेकर उठने चाहिए ऐसी हवालात पर सवालत नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल यूपी हिरासत में मौतों के मामलों में नंबर वन यूपी मानवाधिकार हनन में नंबर वन यूपी दलित उत्पीड़न में नंबर वन और आगे लिखते हैं हसीन रहमानी क्या देश के न्यायालय में ताला डाल दिया गया है या सारे जज साहब छुट्टी पर गए हैं ये वीडियो भाजपा के एक विधायक ने भेजा है हम इस वीडियो को दिखा नहीं सकते हैं स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं ब्लर करके और सोचिए अरुणाचल में चीन सीमा पर दो भारतीय जवान चौदह दिनों से लापता हैं लेकिन राजनीतिक खेमे पर गोदी मीडिया खामोश है कोई चर्चा नहीं है ईडी और इनकम टैक्स लगातार विरोधियों पर कार्रवाई कर रहे कल राहुल गांधी ईडी के दफ्तर जाएंगे लेकिन उनका पूरा जत्था जाएगा वो पहली बार इसको पोलिटिसाइज कर रहे हैं देखते हैं कल एक नया नया माहौल होगा राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी और इनकम टैक्स की नोटिस गई है उन्होंने इसको पोलिटिकल इशू बनाया और वो पूरे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री कांग्रेस के सांसद विधायक तमाम लोग राहुल गांधी के साथ ई दफ्तर जाएंगे तो क्या लगता है आप लोगों को ई इनकम टैक्स का दुरुपयोग हो रहा है इस्तेमाल हो रहा है वैसे कांग्रेस ये सब करने में माहिर है कांग्रेस भी इसी तरह से एस सी एस टी माइनॉरिटी के नेताओं को डराती थी और वही चीज़ उस पर हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ट्वीट किया है भाजपा शासन में बुलडोजर सिर्फ मकानों को ध्वस्त नहीं कर रहा है बल्कि संविधान और अदालत को भी तार तार कर रहा है सवाल यह है कि जिनके मकान ध्वस्त किए गए हैं कल अगर वो अदालत से बड़ी हो जाते हैं तब उनके मकानों को तोड़ने वाले अधिकारियों से उनके नुकसान की वसूली की जाएगी ये बड़ा सवाल है सोचिए कमाल अख्तर एक विधायक को भी यूपी के मुरादाबाद में पीड़ितों से मिलने नहीं दिया गया और नुपुर शर्मा को मुंबई पुलिस ने सम्मन भेजा है पच्चीस जून को पूछताछ होगी दिल्ली पुलिस ने भी 25 जून को ही पूछताछ के लिए बुलाया है तो क्या नूपुर शर्मा को फंसाया जा रहा है गिरफ्तार किया जा रहा है बचाया जा रहा है सोचिए अब तक दिल्ली पुलिस खामोश थी जैसी मुंबई पुलिस ने नोटिस भेजा अब दिल्ली पुलिस ने भी नोटिस भेज दिया है मुझे लगता है नुपुर शर्मा के लिए दिल्ली ज़्यादा सेफ रहेगा आपने किसी को अपराधी मानकर उसका घर ढा दिया अगर बाद में कोर्ट ने उसे निर्दोष करार दिया तो हिंदू भावनाओं को सहलाने के चक्कर में बीजेपी खतरनाक खेल खेल रही है या तो पार्टी पर अपराधियों का कब्जा हो गया है या फिर इसके नेता पागल हो चुके हैं देश के लिए दोनों स्थितियां खतरनाक है आगे लिखते हैं नुपुर शर्मा के लिए पटना में श्री राम सेना संगठन ने ये विरोध किया है सवाल है कि श्री राम सेना संगठन शेड्यूल कास्ट जो हिंदू है उसके उत्पीड़न पर क्यों नहीं विरोध करता है सवाल है हाथरस के एंग्रेप पर क्यों नहीं विरोध करता है सवाल है कर्नाटक में मंदिर में नहीं जाने दिया उस पर क्यों नहीं विरोध करता है ये वही हिंदू सेना के लोग हैं जो एस सी एस टी ओ बी सी के आरक्षण का भी विरोध करते हैं तो खैर जाति का असर आप देखते ही हैं टी वी अखबार एक खबरें नहीं दिखाएगा सोचिए एस एस सी जी डी का मैं रोज़ बात कर रहा हूँ खाट पर लोग लेके छात्रों को आ रहे हैं नागपुर से पैदल दिल्ली पहुँच रहे हैं कहाँ किसी टी वी अखबार में ये खबर है उनको हिंदू मुस्लिम से फुर्सत नहीं है मनीष ठाकुर हैं एक सवर्ण पत्रकार हैं वो मज़े ले रहे हैं वो कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से सहारनपुर में दंगाइयों का घर जो है वो गिराया जा रहा है मनीष ठाकुर जी कहीं ऐसा ना हो कि कोई और सरकार आ जाए और आपके घर पर बुलडोज़र चल जाए सरकार का क्या है आना जाना रहेगा इसलिए न्याय और जस्टिस के साथ खड़े ज़्यादा फायदे ज़्यादा रहिए ऋचा अनिरुद्ध हैं आप रेडियो पर सुनते होंगे ये भारत में एक एक प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है एक वीमेन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है एक विमेन प्रेस क्लब ने एक चिट्ठी जारी की है एक महिला हैं मुस्लिम महिला हैं उनके खिलाफ़ एक एफआईआर दर्ज किया गया है और उसके लिए उन्होंने एक चिट्ठी जारी की विमेन प्रेस क्लब ने लेकिन वहाँ जितनी सवर्ण महिलाएँ हैं वो सब इसके विरोध में हैं वो कह रही हैं कि जो मुस्लिम महिला हैं उन पर जो एफ दर्ज हुआ है वो बिल्कुल सही है सारी सवर्ण महिलाएं हैं उसी तरह से सारे सवर्ण समाज के ज़्यादातर लोग जो लोग जो, जो हैं वो नुपुर शर्मा के साथ दिख रहे हैं तो ये एक बड़ा खेल है जातियों में बटा हुआ देश है और ये स्क्रीन देखिए हम वीडियो नहीं दिखा सकते हैं बहुत दर्दनाक है उदयपुर के ब्राह्मणों का गुंडा पुलिस थाने सुखेर में सामंती गुंडों द्वारा आदिवासियों पर बेनतहा जुल्म किया जा रहा है सोचिए यहाँ एडवोकेट पीआर आर सालवी ने लिखा है किस तरह से ब्राह्मण ये जो आरोपी है वो ब्राह्मण समाज से है और वो किस तरह से आदिवासी समाज के युवा को मार रहा है और वो जो 2000 हज़ार चिप वाला नोट था उसमें अमिताभ बच्चन का कौन बड़ा करोड़पति पर प्रचार आ गया है अब अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि आप टीवी देख रहे हैं और उस पर भरोसा कर रहे हैं न्यूज़ पर तो आपकी गलती है आपका नुकसान होगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमिताभ बच्चन इसलिए बिल्कुल टी अखबार पर भरोसा नहीं कीजिए जो लोग दो नोट में चिप की बात कर रहे थे और ये देखिए ये ये पुलिस वाले की इंसानियत भी मर गई है शिवराज मामा अगर आप में थोड़ी भी इंसानियत है तो निर्दयी पुलिस सोचिए जहाँ भी गरीब आदिवासी पिछड़ा दलित है उसको रौन दिया जाता है ये निर्मला चौहान ने ट्वीट किया है किस तरह से मध्य प्रदेश में सरयाम महिलाओं को पुलिस पीट रही है क्योंकि ये लोग गरीब तबके से हैं और ये वो पांचों महिलाएं हैं चारों हिंदू होने का मतलब लक्ष्मी अलम्मा जयश्री श्यामला और देवम्मा से पूछिए इन पांच दलित औरतों को मंदिर जाना था उनकी सुरक्षा के लिए कर्नाटक सरकार ने 150 सौ पुलिस तैनात किए तब अंदर जा पाई अब ये मंदिर बंद कर दिया गया है ये 2022 है तो सोचिए जो लोग हिंदू एकता की बात करते हैं उनको इस पर अपनी राय रखनी चाहिए और अस्मिता बक्सी लिखते हैं आई एम सॉरी बट पीपुल हु वर्न एंड शूट गद्दा गांधी एजिफी सोचिए नुपुर शर्मा के पुतला को फांसी पर लटकाने से दिक्कत है जलाने से दिक्कत है ये विरोध का एक तरीका होता है इससे पहले गांधी सनी लियोन राजनाथ सिंह राहुल गांधी संजय लीला भंसाली सलमान खुर्शीद सडनली वेरी कंसर्न अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इजिफी इस देश में शुरू से प्रधानमंत्री का गृह मंत्री का पुतला जलाया जाता है तो ये बड़ा सवाल है खैर टीवी जिसके पास है वही सही है जिसके पास टीवी नहीं है वो गलत है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक मंत्री हैं जोशी जी उनके बेटे पर रेप का आरोप लगा है और उनके आ, जो पीड़ित है लड़की योगिता बयाना ने ट्वीट किया किस तरह से उस पर हमला हुआ और उसको धमकाया जा रहा है एफआईआर mm -hmm. रेप अगेंस्ट मिनिस्टर ऑफ सन इन राजस्थान हैज़ बीन अटैक्ट बाय केमिकल बाई अ नोन मैन इन दिल्ली नाउ एडमिटेड इन दिल्ली हॉस्पिटल उनका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरह से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जोशी जी के बेटे पर रेप का आरोप है लेकिन क्या मजाल है कि पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले तो सरकार किसी की हो जाति एक बड़ा विषय है जिस पर आपको सोचना चाहिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्री पर यह आरोप है और इसको लेकर सवाल लोग पूछ रहे हैं पीड़ित पर हमला हुआ है उसका चेहरा जरूर ब्लर कर दें और ये देखिए एक और नकली खबर विष्णु के जो हैं वो मुसलमानों को बंदूक के साथ दिखा रहे हैं मोहम्मद जुबैर ने एक्सपोज किया है कि ये पुरानी तस्वीरें शेयर की जा रही है और यह शुभंकर मिश्रा ये लिखता है कि उपद्रवियों को लेकर सीएम योगी बोले पूरी कठोरता बरतेंगे सब समाज में तो शुभांकर मिश्रा जैसे तमाम पत्रकार हैं वो इस सख्ती के साथ हैं बुलडोज़र चलाने के साथ हैं वो कोर्ट कचहरी को नहीं मानते मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीडिया ही इस देश में सबसे असली जिम्मेदार है सर्फनखा के चलते रावण का वंश समेत नाश हो गया था जहाँ सुरफनखा को जेल भेजा जाना चाहिए था वहाँ रावण ने उससे प्रोटेक्शन दिया था डॉक्टर मोनिका सिंह हैं जो सुरफनखा कह रही हैं उसको आ, 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 नुपुर शर्मा को इनको तो जेल में जाना चाहिए और एक बड़ी खबर आ रही है दुनिया भर में चौंकाने वाली आरोप है कि श्रीलंका में खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा था श्रीलंका सरकार को कि बिजली परियोजना का प्रोजेक्ट जो है वो अडानी को दिया जाए 500 मेगावाट का तो क्या हमारे प्रधानमंत्री अडानी के पीआर ग्रुप हो गए हैं ये कल्पना कर सकते हैं आप और अब तक हम लोग जानते थे कि बिस्मिल जी स्वतंत्रता सेनानी थे एक ब्राह्मणी समाज की लड़की ने बताया है जो लिखती हैं बेटी महाकाल की वो बता रहे हैं कि इनका नाम था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तिवारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तिवारी चंद्रशेखर आज़ाद को भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानी मानते थे अब उनको भी चंद्रशेखर आजाद तिवारी बता रहे हैं मनोज मुंशिर तो जाति कभी जाति नहीं है सहारनपुर में अब तक इकहत्तर लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और योगी आदित्यनाथ को विधानसभा में ये मोन्टाज में भी वीडियो आपने देखा होगा किस तरह से चुप करा दिया गया वो कह रहे थे कि पिछली सरकार ने चीनी मिल बेचा है उसके बाद उनको अपनी बात वापस लेनी पड़ी और स्वरा भास्कर ने एक ट्वीट किया है कि सोचिए एग्री आई होप ऑल सेम पीपुल फील द सेम हॉरर सोचिए स्वरा भास्कर को भी नुपुर शर्मा के पुतला जलाने से और पुतला टांगने से दिक्कत है जबकि ये सो कॉल लिबरल दिखती हैं खैर ये सब लिबरल हैं और तमाम सोशल मीडिया पर जो खबरें हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और सोशल मीडिया पर अगर आप नहीं हैं ये देखिए दिलीप मंडल ने एक कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट का ये देखिए प्रोफेसर सियाराम तिवारी भोलानाथ मिश्रा सियाराम तिवारी भोलानाथ मिश्रा हरिचंद मिश्रा रामेश्वर मिश्रा हरिचंद मिश्रा मंजू रानी सिंह मुक्तेश्वरनाथ तिवारी चक्रधर त्रिपाठी सलेन त्रिपाठी शकुंतला मिश्रा रविंद्र मिश्रा ये किस यूनिवर्सिटी में हुआ है तो ये देश के तमाम यूनिवर्सिटी में इसी तरह के हालात हैं और ये प्रयागराज में एक मुस्लिम छात्र नेता का घर गिराया जा रहा है लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है एक डी एम साहिबा की खबर सुनिए फतेहपुर डी एम अपूर्वा दुबे फतेहपुर की डी एम है अपूर्वा दुबे उनके गाय की देखभाल के लिए सात वेटनरी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है सोचिए दिल्ली में एक डीएम अपनी पत्नी के साथ स्टेडियम में वॉक करने जाते थे तो उनका लद्दाख और न जाने कहाँ नॉर्थ ईस्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया लेकिन क्या मजाल है कि कोई अपूर्वा दुबे पर सवाल पूछ लेगा मैं चाहूँगा कि अपूर्वा दुबे पर एक अलग से स्टोरी बने और बढ़िया स्टोरी बने ऐसे डी को इस देश को इंतज़ार है और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि क्लोजियम सिस्टम से जो जजों की भर्ती होती है वो बंद हो बड़े नेता हैं ओबीसी के और मैं चाहता हूं कि ये सारी खबरें हों छात्र नेता अफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलने लगा है और सवर्ण हिंदू ही ज़्यादातर इस मामले में खुश हैं कि बुलडोजर चले जयंत चौधरी ने बुलडोजर का विरोध किया है और संजय सिंह ने श्रीलंका वाली खबर को शेयर किया है देश के प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप है कि आखिर उन्होंने अडानी के पावर प्रोजेक्ट को श्रीलंका में ठेका देने का दबाव क्यों बनाया नेशन वांट्स टू नो तो सोचिए प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह के और सपा एम लाल बिहारी यादव के ख़िलाफ़ कानपुर के रायपुरवा थाने में एफ दर्ज हो गया है उन पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप है और एक डाटा देखिए कि बाल विवाह सबसे ज़्यादा कहाँ होता है हिंदू में इकतीस परसेंट मुस्लिम में तीस परसेंट बुद्धिस्ट में सत्ताईस परसेंट जैन में सोलह परसेंट क्रिश्चन में बारह परसेंट सिख में दस परसेंट मतलब सबसे ज़्यादा हिंदू में जो है वो बाल विवाह होता है ये कैचिंग द टू यंग द पार्टिसिपेट अंडर एज मैरिज फेल अक्रॉस ऑल रिलीजन्स बट हिंदू एंड मुस्लिम वोमेन स्टिल हैव इन द वर्स्ट ये सरकारी आंकड़ा है जो दिलीप मंडल ने शेयर किया है और ट्रेन में जनरल कोच में 25 किलो से अधिक सामान पर लगेगा छः गुना जुर्माना बधाई हो आप लोगों को और मेरिट का कमाल देखिए ये जितेंद्र यादव ने शेयर किया है इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट डीम्ड यूनिवर्सिटी का है पी एच डी इंट्रेंस का जनरल को सैंतीस नंबर जनरल को छत्तीस नंबर जनरल को छत्तीस नंबर, को 36 नंबर 37, 37, SC, 30, 31, OBC, और ओ बी सी का कटअप देखिए सैंतीस सैंतीस शेड्यूल कास्ट का एस सी पी एच डी में देखिए तीस जनरल इकतीस ओ बी सी और बीस एस सी तो ये है मेरिट वाले लोगों की दुहाई ओ बी सी का कटअप जो है वो उनसे भी ज़्यादा आ रहा है और ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है और इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोशल मीडिया ही असली मीडिया है आप लोग की क्या प्रतिक्रिया अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए इन खबरों पर और मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक संविधान है तभी तक हम सुरक्षित हैं हमारी जिम्मेदारी है कि संविधान को सुरक्षित रखा जाए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें